हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फैंटेसी तड़का में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो कल महामुकाबला खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। एक टीम नंबर वन पे है और दूसरी टीम नंबर टू पे है। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है वर्ल्ड कप में, तो ये मैच बड़ा टक्कर का होने वाला है। सो प्लीज़ आपने वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको वो तीन प्लेयर बताऊंगा जो इस मैच में कंफर्म है चल जाएंगे। देखो, मैं बीच में आपको रखता नहीं हूँ। आज आपको मैंने वीडियो में बोला था, जो लास्ट मेरा वीडियो बनाया उसमें बोला था कि पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान चलेगा, और ऐसे ही इस वीडियो में भी बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देख लेना ध्यान से। वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी लोग हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने भाई को, इसीलिए उन सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो देखा करो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में महामुकाबले का वीडियो, और प्रेडिक्शंस वगैरह आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको ग्रैंड लीग का टीम मिलता है, WBBL यानी वुमेंस का बिग बैच जो चल रहा है उसका आपको टीम मिलता है। सब कुछ जानने के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, टेलीग्राम पे आपने जुड़ जाना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको विनर बताया जाएगा कि कौन सा यहाँ पे कौन सी जो टीम है वो विनर बनने वाली है, ताकि आपकी अच्छी खासी हेल्प हो सके टीम बनाने में भी, और अच्छा खासा प्रॉफिट बाकी ऐप से भी कर सको। 37वां मैच होगा इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में, जो खेला जाएगा ऐतिहासिक ग्राउंड यहाँ पे ईडन गार्डन कोलकाता में। यहाँ की विकेट आप सबको पता है बैटिंग फ्रेंडली है, स्पिनर्स को सीमर्स को दोनों को सपोर्ट करता है, अच्छी खासी विकेट मानी जाती है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे फास्ट गेंदबाज अच्छा खासा विकेटें निकालते हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में थोड़ा विकेट स्लो हो जाता है, वहाँ पे स्पिनर चलते हैं। बाकी फाइनल टीम के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर सर्च कर सकते हो फैंटेसी तड़का 95। 17,400 से ज़्यादा आपको जनता दिखने वाली है। आपको बता दो, रोहित शर्मा के साथ ओपन करेगा गिल। अब भैया, गिल ने काफ़ी क्रिकेट यहाँ पे खेला है, रोहित शर्मा का फेवरेट ग्राउंड है। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है इंडिया में, तो इन्होंने इंडियन गार्डन का नाम लिया था, और इस मैदान पे इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। हालांकि मैंने वेन्यू स्टैट्स नहीं लिखा, लेकिन रोहित शर्मा इस मैदान पे अच्छा खेलता है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। बात करें लास्ट तीन मैचेस की, तो लास्ट मैच में फ्लॉप रहा, उससे पहले 87 इन्होंने करे हैं, तो 24 मैच में 33 के एवरेज से 766 रन इन्होंने करा। नंबर टू पे आएगा गिल। एक ओपनर टीम इंडिया का लेना है, क्योंकि एक ओपनर जल्दी आउट हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 70-60 रन के अंदर एक विकेट जाएगा, वो गिल का भी विकेट हो सकता है या फिर वो रोहित शर्मा का विकेट हो सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। गिल की बात करें, गिल ने लास्ट मैच में 92 रन की पारी खेली, उससे पहले 9-22 करे हैं, 26 के एवरेज से 3 मैच खेले हैं, 80 रन बनाया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गिल अभी तक फ्लॉप हुआ है, लेकिन इस मैदान पे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेला है, ये बात याद रखिएगा। हालांकि वो बहुत देर पहले की बात है जब ये KKR में होता था। नंबर थ्री पे विराट कोहली आएगा। 61 के एवरेज से 1403 स्कोर है भाई, किंग कोहली है, इनके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, आप सबको पता है कितना बड़ा खिलाड़ी है। बात करें लास्ट के तीन मैच की, 0 करने के बाद 88 रन की पारी खेली, उससे पहले 95 इन्होंने करा था। श्रेयस अय्यर 82-4 33 रन बनाए लास्ट के तीन मैचेस में। श्रेयस अय्यर ने पूरी जिंदगी निकाल दी KKR की तरफ से यहाँ खेलते हुए। श्रेयस अय्यर को गलती से भी ड्रॉ मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेयर का कल बल्ला फिर से चलने वाला है, कल पक्का चलेगा श्रेयस अय्यर, ध्यान में रखिएगा ये बात। तो श्रेयस अय्यर को निकालने की गलती आपने करनी नहीं है, KKR की तरफ से पूरी जिंदगी जब से खेल रहा है बंदे ने निकाल दिए यहाँ, ठीक है। कोलकाता में बहुत क्रिकेट खेला है। बात करें इनके परफॉर्मेंस की, 48 की एवरेज से लगभग 293 स्कोर करा है, 8 मैच इन्होंने खेले हैं, अच्छा खासा एवरेज है। लास्ट के तीन मैच की बात करें, 82-4 33 इन्होंने करा। नंबर पाँच पे राहुल आएगा, वन ऑफ माई फेवरेट खिलाड़ी इन द वर्ल्ड है, बड़ा तकड़ा प्लेयर है, 21 रन 27 रन की पारी इन्होंने खेली, 25 की एवरेज से 102 रन बनाया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नंबर सिक्स पे सूर्य कुमार यादव आएगा, जिन्होंने एक ही मैच खेले, 1 में 39 रन है। सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छा खासा क्रिकेट कोलकाता में खेला हुआ है। नंबर सात पे आएगा जडेजा, और 9 मैच में 162 रन है, 107 विकेटें हैं। सॉरी गाइस, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। मोहम्मद शमी की बात करें, इन्होंने भी अच्छा खासा क्रिकेट यहाँ पे खेला है, 4 मैच में 11 विकेटें हैं, 10 में 24 विकेटें कुलदीप यादव, 11 मैच में 17 विकेटें, 3 मैच में 5 विकेटें मोहम्मद सिराज।
अब जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट रहेगा, कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट रहेगा, शमी के तो भैया क्या कहने, शमी तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बंदा लगभग हर मैच में आपको फैंटेसी पॉइंट दे रहा है, हर मैच में 5 विकेटें लेता है, 4 विकेटें लेता है, तो ये कुछ इनका परफॉर्मेंस अभी है वर्ल्ड कप में। स्टार्टिंग के ओवर सिराज डालेगा बुमराह, डेथ में भी ये डालने वाले हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें, डिकॉक के साथ ओपन करेगा तिम्बा भाबुमा। डिकॉक ने इंडिया के खिलाफ 19 मैच खेले हैं, 1072 रन बनाए, 56 का इनका एवरेज है। और मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का, साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैट करे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के खिलाफ भी क्या 350 स्कोर करेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस टीम के खिलाफ खेला है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, बैट फर्स्ट करके बहुत तगड़ा स्कोर बनाया है, 350 से ज़्यादा स्कोर करा है साउथ अफ्रीका ने। और मैं यही देखूंगा कल कि अगर मैं पर्सनली चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम की फिर से बैटिंग फर्स्ट आए और क्या वो 350 बनाएगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। ओपन में तिम्बा भाबुमा आएगा, जिन्होंने 4 मैच में 161 रन बनाया, 40 की एवरेज से लास्ट के 3 मैच में 24, 28, 16 करे हैं। लास्ट मैच में डिकॉक ने 114 रन की पारी खेली थी। नंबर 3 पे आएगा डशन, जिनका एवरेज अगर आप देखोगे 120 का है, बहुत तगड़ा प्लेयर है डशन, इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। और लास्ट मैच में 133 रन की पारी खेली, 21 और 1 रन इन्होंने बनाया, तो डशन को निकालने की गलती मत करना, ये भी आपको डीटी में दिखेगा, ड्रीम टीम जो लास्ट में बनती है उसमें आपको दिखने वाला है। नंबर 4 पे आएगा मार्करम, मार्करम का अगर आप परफॉर्मेंस देखो कुछ खास नहीं रहा है, हालांकि लास्ट मैच में तो उनका बैटिंग ऑर्डर डिमोट हुआ था, क्योंकि अच्छी खासी पार्टनरशिप हो रही थी तो उनको थोड़ा नीचे भेज दिया गया था, इनके ऊपर मिलर आया था बैटिंग करने। लास्ट मैच में 6 रन बनाए, 91 उससे पहले 60 रन करा, 12 मैच खेले हैं, 271 रन, 24 के एवरेज, 2 विकेट ले चुका है। तो मार्करम को लेना है नहीं लेना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी वीडियो में, लेकिन हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं कल। हेनरिक क्लासन की बात करें, 49 के एवरेज, 243 रन करा, लास्ट मैच फ्लॉप रहा है, 15 नॉट आउट 12 90 करे हैं इन्होंने। डेविड मिलर की बात करें, 53 लास्ट मैच में करे भैया, ये पता नहीं क्या खा के खेलता है, हर मैच में इसका 40-50 रन होता है, 29 रन बनाए, 39 रन बनाए, सॉरी 34 रन बनाए, 53 रन की पारी लास्ट मैच में खेली, 23 मैच में 490 स्कोर है, 27 की एवरेज से इन्होंने स्कोर करा है। मार्को जेंसन एक ओपनर को जल्दी आउट कर सकता है कल फिर से, लगातार विकेट टेकर है, 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, तो आप अंदाजा लगाइए, और यही नहीं इससे पहले भी इन्होंने लगातार विकेटें ली हैं, तो लीडिंग विकेट टेकर में काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पे है मार्को जेंसन, और कल फिर से हो सकता है 1-2 विकेट निकाल ले, बैटिंग आने के भी चांस अच्छे खासे रहेंगे, और जब ये बैटिंग करेगा इसके सामने कुलदीप होगा, तो कुलदीप इनको आउट कर सकता है कल वाले मैच में। 2 मैच में विकेट इनको मिला नहीं, हेडवर्ड खेले हैं। केशव महाराज ने 5 में 4 विकेटें ली हैं। रवाडा की बात करें, 14 में 20 है। लुंगी रिगड़ी 9 में 17। और कोट जी की बात करें, इन्होंने अभी तक खेला नहीं है इंडिया के खिलाफ। बात करें टॉप 3 ग्रैंड लीग कैप्टन की, तो पहला रहेगा यहाँ पे एंडन मार्करम। मार्करम कल वाले मैच में ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, ग्रैंड लीग में सीधा कैप्टन बनाइए। अब लोग इनको टीम से निकाल सकते हैं, सी तो कोई बनाएगा नहीं, उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग सोचते हैं लास्ट मैच का स्कोर कार्ड देख के कि इनको बैटिंग में डिमोट किया गया था, लेकिन लोगों को ये आइडिया नहीं कि डिमोट किया क्यों गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हिटिंग हो रही थी और ये हिटर नहीं है प्रॉपर, इससे बड़ा हिटर डेविड मिलर है, इससे बड़ा हेनरिक क्लासन है, तो इस मतलब टीम मैनेजमेंट ने इनको काफ़ी नीचे भेजा था। और इस मैच में एंडन मार्करम परफॉर्मेंस दे सकता है तो ग्रैंड लीग में पहला कैप्टन एंडन मार्करम रहेगा। दूसरा रहेगा श्रेयस अय्यर। अब अय्यर इसलिए रहेगा क्योंकि अय्यर ने पूरी जिंदगी निकाल दी KKR की तरफ से खेलते हुए कोलकाता में, तो अय्यर को निकालने की गलती मत करिएगा। कल फिर से बैक टू बैक 50 रन अय्यर कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। बाकी कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस मैदान पे दिया है, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने भी KKR की तरफ से कोलकाता में खेला है, तो कुलदीप यादव की सिलेक्शन काफ़ी कम है, मैं देख के काफ़ी हैरान हो रहा था। और कुलदीप यादव भी हमारा तीसरा ग्रैंड लीग कैप्टन रहेगा। श्रेयस अय्यर, मार्करम और कुलदीप यादव, इन तीनों को आपने रोटेट करना है और ये 3 प्लेयर आपकी स्मॉल लीग टीम में होने चाहिए। बात करें सेव की, तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, डिकॉक या मार्को जेंसन, ये सब जो है रहने वाले हैं स्मॉल लीग में। तो चलिए अब जल्दी से अपना फैंटेसी टीम बनाते हैं, क्या हमारा फैंटेसी टीम यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे देखो, वीडियो आप पूरा देखते हो पता नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन भैया वीडियो देखा करो क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है, और मुझे कोई फायदा नहीं है आपको सामने। मैं जो है टीम को डिलीट करता हूँ भाई, टीम में पहले बना के रखता हूँ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको। तो फिलहाल के लिए बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर में डिकॉक है, क्लासन है, राहुल है, तीनों विकेट कीपर हमारे पास हैं, तीनों खेलने वाले हैं। डिकॉक ओपन करेगा,
क्लासन नंबर 5 पे आता है और राहुल जो है नंबर 5 पे आता है। अब मैं एकमात्र विकेट कीपर लूंगा वो है डीकॉक, इसी के साथ मैं प्ले करूंगा। बाकी अगर आपको लेना है तो आप क्लासन को या फिर राहुल को ले सकते हो। बात करें बैट्समैन की, तो देखो बैट्समैन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों मस्ट हैव खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखता है इस मैदान पे, वेन्यू इनको पसंद है और इस मैदान पे कोलकाता इंडोर गार्डन में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है और इन्होंने अच्छा खासा स्कोर भी यहाँ पे बनाया है। एवरेज स्कोर थोड़ा कम है लेकिन बैटिंग ट्रैक सुनने में आ रहा कि बनाया जाएगा। बाकी डशन को मैं लूंगा, गिल मेरी टीम में फिट नहीं होगा कल वाले मैच में, मैंने लास्ट मैच में भी गिल को ड्रॉप करा था, अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा। मेरी टीम में श्रेयस अय्यर रहेगा जो कि हमारा पहला ट्रम्प खिलाड़ी है। बाकी गिल को, डेविड मिलर को आप इनको ट्राई कर सकते हो, तिम्बा बाबूमा को भी भैया दो तीन टीम में ट्राई कर लीजिए क्योंकि पता कुछ नहीं है, अच्छा खासा प्लेयर है, अच्छा खासा एवरेज है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकता है तिम्बा बाबूमा भी। ग्रैंड लीग में रखिएगा, स्मॉल लीग में शायद ओपनर ना लेकर आए क्योंकि ओपनर को भी पता है सामने इंडिया है, तो स्ट्रॉन्ग टीम है साउथ अफ्रीका को हरा सकती है तो इसीलिए एक ओपनर को लोग ड्रॉप करके ही आएंगे, तो तिम्बा बाबूमा को ओपनेंट स्मॉल लीग में नहीं लेकर आएगा। बात करें ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर में देखो मैं मार्करम जैनसन दोनों को लेने वाला हूँ, मैं जडेजा को नहीं लूंगा, मेरी टीम में जडेजा फिट नहीं हुआ है, अगर आपको लेना है तो आप जडेजा को ले सकते हो। अश्विन का खेला नहीं खेला कंफर्म नहीं है, फैलक वाय का भी कमी है चांस है मुझे लगता है खेलने का। बात करेंगे इस बॉलिंग की, तो बॉलिंग में देखो जसप्रीत बुमराह मस्ट हैव प्लेयर है, मोहम्मद शमी को निकाल नहीं सकते क्योंकि लगातार विकेट ले रहा है, कल फिर से लेगा ठीक है दो तीन विकेटें। बाकी कुलदीप यादव इस मैदान पे केकेआर की तरफ से बहुत क्रिकेट खेला है, कुलदीप यादव 2 या 3 विकेट कल वाले मैच में कंफर्म लेने वाला है, साउथ अफ्रीका की टीम को हिला देगा बंदा। बात करें और प्लेयर्स की, तो यहाँ पे मैं लुंगी निगड़ी को लूंगा गाइस। लुंगी निगड़ी का हालांकि स्टार्टिंग में ओवर रहता है, डेथ में कम आता है, अगर आपको डेथ का गेंदबाज चाहिए तो आप रवाडा के साथ जा सकते हो, कोटजी के वगैरह के साथ जा सकते हो, लेकिन ये मेरा ट्रम्प खिलाड़ी मान के चलिए क्योंकि लुंगी निगड़ी को बहुत कम लोग ट्राई करेंगे। इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 9 मैच इन्होंने खेले, 9 मैच में आई थिंक 16-17 विकेट है इनकी, तो आप अंदाजा लगाइए कितना अच्छा प्लेयर है लुंगी निगड़ी। और रही बात सीबीसी की, कैप्टन मेरा रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन मेरा यहाँ पे मार्करम, या फिर वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे डीकॉक को बना सकता हूँ। देखो भैया ये मैच काफ़ी रिस्की रहेगा, इसीलिए इस मैच को जितना हो सके उतना एंजॉय करिएगा, इन्वेस्टमेंट बेफालतू अंधाधुंद मत करिए ठीक है। मैं अभी के लिए रोहित शर्मा कैप्टन बनाऊंगा, वाइस कैप्टन मार्करम को करूंगा, ये मेरा फाइनल टीम मान के चलिए ठीक है। कल को भी मेरे सीबीसी यही रहेंगे, भले मैं शो करूं ना करूं, लेकिन मैं मोस्टली चांसेस आई है कि मैं यही सीबीसी दोनों बनाऊंगा। देखो फिर से आपको याद दिला दूं, इंडिया वाले मैच में अगर आप अंधाधुंध पैसा लगाते हो, फैंटेसी टीम बनाते हो, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। इंडिया टीम को चीयर्स करिए ठीक है, कल हो सकता है इंडिया टीम के किसी बड़े प्लेयर को रेस्ट मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इंडिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, और हो सकता है ये बड़ा मैच है सारे प्लेयर्स खेलें जो मेन है, नीदरलैंड के खिलाफ 2-3 खिलाड़ी रेस्ट ले लें, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस मैच में इन्वेस्टमेंट आपको कम करना है, एंजॉय करना है मैच को। विराट कोहली डीकॉक को पूरी दुनिया सीवीसी बनाएगी, आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, गिल को ले सकते हो आप श्रेयस अय्यर की प्लेस पे, मैंने रिस्क लिया है। अब मेरे जो ट्रम्प खिलाड़ी आपको मैं बता देता हूँ, एक तो श्रेयस अय्यर है, दूसरा कुलदीप है, तीसरा मार्करम है, ये तीनों आपको मैंने ग्रैंड लीग कैप्टन के लिए बोले कि तीनों को ग्रैंड लीग कैप्टन बनाइए, और तीनों ही मेरे ट्रम्प प्लेयर हैं और तीनों मेरी टीम में आपको दिखेंगे। कैप्टन रोहित शर्मा इस मैदान पे बहुत अच्छा खेलता है, सेफ जाना है तो आप विराट कोहली डीकॉक को सीवीसी बना दीजिए। रोहित शर्मा के चांस अच्छे खासे हैं चलने के, मार्को जैनसन को बस ये हैंडल कर जाए। हाँ एक चीज मैं यहाँ पे और कर सकता हूँ, मैं लुंगी निगड़ी को ड्रॉप करके इसकी जगह क्लासन को रख सकता हूँ या फिर कगिसो रवाडा को ट्राई कर सकता हूँ। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, सीवीसी मान के चलो कि लगभग फाइनल है, सीवीसी में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन हो जाना है। सो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, फैंटेसी में खूब सारा इन्वेस्ट करिए, खूब सारा पैसा कमाइए, लेकिन इस मैच में इन्वेस्ट मत करना, ये रिस्की मैच है।